भगवानपुर सीट, भगवानपुर विधानसभा इस टाइम बहुत हॉट सीट बन चुकी है, क्योंकि बीएसपी, कांग्रेस और बीजेपी लगभग सभी ने अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं। भगवानपुर से बसपा प्रत्याशी सुबोध राकेश हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं कि अब चुनाव को किस तरीके से देख रहे हैं। सुबोध जी, बीजेपी ने भी अपना प्रत्याशी राज्यपाल को बनाया है, कांग्रेस ने ममता राकेश उम्मीदवार होगी, क्या कहेंगे, किस तरह से चुनाव निकलेंगे? देखिए, अगर बीजेपी प्रत्याशी की बात हम करें तो निश्चित रूप से मास्टर सत्यपाल जी ऐसे प्रत्याशी हैं जिनको बरसाती मंडप की तरह, जिसको नेता को कहा जाता है ना, इस तरह की छवि उनकी जनता के बीच में। 2012 में चुनाव लड़े थे कांग्रेस पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी से उनको टिकट दिया है। ये 10 साल का जो अंतराल है, दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि कहीं क्षेत्र में सत्यपाल मास्टर जी दिखे नहीं। आज ये क्षेत्र की जनता निश्चित रूप से ऐसे नेता को हजम नहीं करती है, जो जनता के बीच में नहीं रहते हैं, जो जनता के सुख दुख में शामिल नहीं होते हैं। आज की डेट में मैं जहाँ तक समझता हूँ, एक डमी कैंडिडेट की तरह उनको यहाँ पर उतारा गया है। और जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रोज इस्तीफे देकर सुबोध राकेश का समर्थन कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनका सुबोध राकेश ने 5 साल मेहनत करके उनका सहयोग किया, उनकी सेवा की, यहाँ पर व्यवस्था उन लोगों की बनाई। ऐसे तमाम साथी आज सुबोध राकेश के साथ खड़े हैं और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का वजूद यहाँ पर खत्म हो गया है। यहाँ पर किसी तरह का सिस्टम आपको भविष्य में 2022 के विधानसभा चुनाव में उनका दिखाई नहीं देगा, और आने वाला समय आपके सामने है, साथ साथ सबको दिखाई देगा कि बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता व्यवस्था में रहे हैं, जिनके हमने काम कर सहयोग किए हैं, वो हमें सहयोग कर रहे हैं, हमें वोट दो। जी, क्षेत्र में एक माहौल बनाया जा रहा है कि यदि सुबोध राकेश को भगवानपुर की जनता चुनती है तो वो बीजेपी का साथ देंगे, बीजेपी के साथ जाना पसंद करेंगे, इसमें कितने सिक्के हैं? देखिए, तो राजनीतिक फंडे हैं लोगों के। सुबोध राकेश को अगर भारतीय जनता पार्टी में जाना होता तो वो वहाँ से छोड़ के नहीं आता। सुबोध राकेश भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली से त्रस्त होके मेरे समाज के प्रति जो उनके पार्टी में सोच है, उस सोच को अपने साथ लेकर मैं आया हूँ। मैंने देखा है 5 साल के क्या स्थिति वहाँ पर मेरे समाज की नेताओं की है, इसलिए मैं उस सिस्टम को छोड़कर अपने घर में वापस आया हूँ। और निश्चित रूप से ऐसे लोगों को बताना चाहता हूँ जो मात्र वोट लेने के लिए मुसलमानों को बरगला रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी में चले जाएंगे। हम अपने सम्मानित भगवानपुर विधानसभा के सर्व समाज के और सम्मानित सभी मुस्लिम समाज के साथियों से कहना चाहते हैं कि सुबोध राकेश बहुजन समाज पार्टी मेरा राजनीतिक घर है, अपने घर में मैं आया हूँ, और अपने घर से कोई बाहर नहीं जाता है। सुबोध राकेश अपने घर में आया, अपने घर में रहेगा और जिंदगी भर इसी घर के माध्यम से, इसी राजनीतिक पार्टी के माध्यम से जनता की सेवा करेगा। ये हमने प्रण लिया है और ये हम भविष्य में दिखाएंगे। आग्रह मेरा साथियों से है, सर्व समाज के लोगों से, कि किसी पार्टी की बातों में गलत बयानबाजी में ना आके एक सच्चे सेवक के साथ खड़े हों, व्यवस्था के साथ खड़े हों। हम आपके 24 घंटे सेवा देने वाले व्यक्ति हैं। भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए सुबोध राकेश ने यहाँ के मुस्लिम समाज की बड़ी तादाद में सेवा की है, विकास कार्य किए हैं, सम्मान किया है। तो अब बहुजन समाज पार्टी में आने के बाद तो कोई सिस्टम ही कोई संशय नहीं बचता है कि सुबोध राकेश सीधी सेवा उनकी पूरी तरह 24 घंटे करेगा, उनके विकास कार्य करेगा। जी, यदि 2012 वाली स्थिति फंसती है, बहुमत किसी भी पार्टी को नहीं मिलता है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, तो बसपा कहाँ जाना पसंद करेगी? देखिए, ये निर्णय तो माननीय बहन जी के स्तर का है कि बसपा कहाँ जाना पसंद करेगी, लेकिन ये जरूर है कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी ने कभी भारतीय जनता पार्टी को समर्थन नहीं किया, और आने वाली व्यवस्था में भी ऐसा ही लग रहा है कि भविष्य में भी इसी प्रकार का सिस्टम रहे, आने वाली व्यवस्था भी इसी तरह हो। निर्णय माननीय बहन जी का होगा कि वो हमें कहाँ आदेश करेंगी, हमें कहाँ जाना है। निश्चित रूप से हम वहाँ पर जाएंगे जहाँ से बहन जी हमें आदेश करेगी, और हमें साफ दिख रहा है कि वो मंच भारतीय जनता पार्टी नहीं होगा। आखिरी सवाल, आजाद समाज पार्टी ने भी भगवानपुर में, अभी तक माना जाता है कि भगवानपुर में कैंडिडेट नहीं उतारा, लेकिन कल उन्होंने कैंडिडेट यहाँ पर उतारा, क्या कहेंगे? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, वैसे तो मुझे विश्वास इस तरह का था कि चंद्रशेखर जी और इस पार्टी के नेता जो आज अपने आप को समाज का सेवक बताते हैं, समाज का मसीहा बताते हैं, मेरी सोच इनके प्रति कुछ और सोच थी कि ये समाज को बढ़ाने वाली बात करेंगे, समाज के मजबूत नेताओं को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया करेंगे। लेकिन ये जो इन्होंने किया है, मुझे लगता है कि ये एक व्यक्तिगत सोच
अपने आप को अपने बनाने के लिए, अपनी व्यवस्था को बनाने के लिए इनकी सोच रही है, ना इनका किसी समाज से कोई मतलब है, ना इनका किसी और व्यवस्था से कोई मतलब है। नहीं तो अगर इनकी सोच समाज के प्रति होती तो निश्चित रूप से आज इस हरिद्वार ज़िले में, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि मेरा समाज अपने नेता के रूप में सुबोध राकेश को दिखता है और इन लोगों के पास भी वो सारी खबरें हैं, अगर समाज के प्रति इनका समर्पण होता तो आज ये सुबोध राकेश के सामने अपना प्रत्याशी न उतारते। लेकिन निश्चित रूप से कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ की जनता सुबोध राकेश के साथ है, मेरा समाज सुबोध राकेश के साथ है। 2017 में जिस नेता ने अपने समाज का भारतीय जनता पार्टी के मंच पर रहकर भी, जिस पार्टी को मेरे समाज ने कभी वोट नहीं दिया, उस पार्टी में रहकर भी 80% वोट लिया है, आज तो मैं उनके घर में हूँ, आज तो मैं अपने समाज की पार्टी में हूँ, मेरा समाज पूरी तरह से मेरे साथ खड़ा है। कुछ इक्का दुक्का आप लोगों को लोग मिलेंगे जो इनकी कांग्रेस की इनकी बात कर रहे हैं, वो कुछ दिखे हुए लोग हैं, लोग मुस्लिम समाज जो है एक तरफा कांग्रेस को जा रहे हैं, इसमें क्या है? देखिए, कांग्रेस पार्टी के साथ कितना मुस्लिम समाज जा रहा है ये आप लोग धरातल पर देख रहे हैं, आप जा रहे हैं गाँव गाँव घूम रहे हैं। आज की डेट में इस वर्तमान विधायक जो कांग्रेस की है, यहाँ का मुस्लिम समाज उनकी कार्यशैली से पूरी तरह त्रस्त है, उनके काम नहीं हुए, उनका विकास नहीं हुआ, 5 साल उनको पूछा नहीं गया, इक्का दिक्का लोगों से कांटेक्ट करने के अलावा कोई मुस्लिम समाज का कोई व्यक्ति यहाँ नहीं था जिसको ममता राकी जी जानती हूँ। आज उनके खिलाफ इस क्षेत्र का सम्मानित मुस्लिम समाज खड़ा है और एक बड़ी संख्या में, जहाँ तक मैं समझता हूँ, जैसे मेरा आकलन है और आंकड़े बता रहे हैं, लोगों के रुझान बता रहे हैं, मेरे क्षेत्र के प्रत्येक गाँव से जो रुझान आ रहे हैं, आज की डेट में 50% मुसलमान सुबोध राकेश के साथ है। और ये जो आने वाला 20 दिन का सफर है, इसमें मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ उस 50% को 80% तक लेकर जाऊँगा और यहाँ पर मुस्लिम समाज का आशीर्वाद सुबोध राकेश के साथ पूरी तरह बन गया है, ये हम साबित करके इन लोगों को दिखाएंगे। ये मात्र वोट बैंक बनकर अब मुस्लिम समाज नहीं रहेगा, मुस्लिम समाज वहाँ जाएगा जहाँ उनको सम्मान मिलेगा, मुस्लिम समाज वहाँ जाएगा जब जो नेता उनका काम करेगा, जो व्यवस्था बनाएगा, जो उनके विकास करेगा, वहाँ मुस्लिम समाज जाएगा। आंख बंद करके अब मुस्लिम समाज पार्टियों के नाम पर वोट किसी को नहीं देगा, आंख बंद करके मुस्लिम समाज अब पार्टियों के नाम पर वोट नहीं देगा। भगवानपुर का मुस्लिम समाज सुबोध राकेश के साथ है और दलित समाज भी सुबोध राकेश के साथ है, ऐसा मानना है सुबोध राकेश का। ये आने वाली 14 फरवरी को पता चलेगा कि मुस्लिम समाज और दलित समाज और संत समाज किस ओर जाता है और 10 मार्च को किसको अपना विधायक बनाता है। अपने सहयोगी विनोद चौधरी के साथ मैं मोहम्मद अजीम, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, हरिद्वार, भगवान।